बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ थर्सडे एंड डेट इज़ 11th June 2020। आई होप यू आर ऑल फाइन इन योर होम। ग्रेड 9, कल जो लेक्चर आपके ग्रुप में डिलीवर हुआ था वो प्री 9 का था, वो बाय मिस्टेक कल आपके ग्रुप में जो है डिलीवर हो गया, क्योंकि ग्रेड 9 ने प्री 9 ने यूनिट 1 किया था, जबकि आपने जो है वो तरीके पाकिस्तान हिस्सा वलबाप चौहारम किया था। तो आपका रिव्यू लेक्चर आज ये है जी। स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम तरीक हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो इट्स मेन कि ये सब कुछ जो हिस्ट्री है ये माजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस हिस्ट्री में स्टिल हमारे लिए जानने, सीखने, मोटिवेट होने के लिए बहुत कुछ होता है। तो पाकिस्तान की तारीख तो ऐसे वाक़यात से भरी हुई है जो हमारी मोटिवेशन का ज़रिया बनती हैं, जिनका जानना और सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के रिव्यू लेक्चर में आप लोगों ने जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किए थे वो उसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले था आइन की तैयारी जो थी 1947 से 58 तक, और पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात के हवाले से उन्होंने बात की हुई है। ये सारा कुछ आपने शॉर्ट में किया था, और हाँ इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी था और शॉर्ट भी इसमें से थे। ये देखिएगा ग्रेड 9, इंतज़ामी मुश्किलात, असासों की तकसीम, फ़ौज की तकसीम, ये इसके पॉइंट्स भी बने हुए थे जी। नेक्स्ट है दरियाए पानी का मसला, रियासतों का तनाज़ा, फिर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद आज़म का किरदार, ये देखिएगा, ये अभी आपने मेरे ख्याल से ये भी करना है। तो इसमें से अगर कुछ शॉर्ट हुआ है तो वो आप लोगों को पता होगा, और जब लॉन्ग करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको एक दोबारा से एक दफ़ा फिर जो है वो बता दूँगी। पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान का किरदार, उसके बाद हैं जी करारदारे मकासद 1949, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी आप लोगों ने किया था, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी था जी। रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से लहाक, 1956 के आइन, ये आपने किया था 1956 का आइन जो है, ये इसके पॉइंट्स किए थे ठीक है। आगे ग्रेड 9, ये अजूब खान का दौर, ये भी आपने इसके मेरे जी जी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो कि बहुत लेंथी है तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये शॉर्ट आप लोगों ने किए थे और ये लॉन्ग में से आपने मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस किए थे। तो अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई उसने कुछ पूछना है तो वो ज़रूर पूछिएगा। और आज के लिए आपका ये लेक्चर इतना ही है। फ़ी अमान अल्लाह।